आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं तथा मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो बहनों, बड़ी खबरें आ रही हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो जिला पंचायत के हैं, उनके द्वारा यह निर्देशित किया गया है सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए कि सभी ग्राम पंचायतों में चस्पा की गई लाडली बहनों की जो सूची है उसको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी संबंधित सचिव से अपने मोबाइल पर प्राप्त करें। मतलब कि जो मुख्य कार्यपालन जिला अधिकारी हैं उनका यह कहना है कि लाडली बहनाओं की जो सूची ग्राम पंचायतों में है हर आंगनबाड़ी केंद्र के, तो आंगनबाड़ी बहनें सचिव से संपर्क करके, सचिव से बात करके अपने व्हाट्सएप पे, मोबाइल के व्हाट्सएप पे उस सूची को प्राप्त कर लें और यह सुनिश्चित कर लें बहनों कि सभी महिलाओं के जिनके नाम हैं उनके KYC तथा बैंक खाता आधार लिंक हो तो गए हैं कि नहीं। मतलब कि लाडली बहना का जो फॉर्म हितग्राहियों का भरा गया था, जितनी भी महिलाओं का भरा गया था, तो सचिव के द्वारा भरा गया था या फिर कुछ जगहों पे कैंप लगा के भरा गया था, तो उन महिलाओं की, उन बहनों की लिस्ट आ गई है जिन बहनों ने फॉर्म भरा था और जिनका नाम लिस्टेड हो गया है उस योजना के हितग्राही या फिर पात्र के लिए। मतलब जो बहनें उस योजना के पात्र हो गई हैं उनका KYC और बैंक खाते में आधार का लिंक हो गया है कि नहीं, क्योंकि उनकी लिस्ट निकल के आ गई है। तो आप लोग अपने अपने सचिव से, आंगनबाड़ी बहनों, आप लोग बात कर लीजिए। जिन लोगों की बात ना हो पाए तो आप अपने ग्राम पंचायत जाके वहाँ पर उस लिस्ट को देख सकते हैं। अब बहनों, यहाँ पे है कि आज केवल 2 कार्यकर्ता ग्रुप में फ़ोटो शेयर कर रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों की शेष आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहाँ हैं समझ नहीं आ रहा है। सभी को आने केंद्र से उपस्थित होकर गतिविधियों की फ़ोटो शेयर करना चाहिए। जी हाँ, अपने अपने केंद्र से सभी आंगनबाड़ी बहनों को गतिविधियों की फ़ोटो सेंड करना चाहिए। मतलब कि आपको पता है लाडली उत्सव सप्ताह चल रहा है, जिसमें 9 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच तक होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं बहनों, उनका क्या है कि फ़ोटो शेयर करना था। तो बहुत सी आंगनबाड़ी बहनें ऐसी हैं जो फ़ोटो शेयर नहीं करती। आज ग्रुप में भी मात्र 2 कार्यकर्ताओं के द्वारा फ़ोटो शेयर हुई है, वो मैं फ़ोटो भी आपको दिखाएंगी। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता बहनों कि आपके द्वारा कार्यक्रम कैसा किया गया है, वो देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या फिर लोग क्या सोचेंगे, आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है। आपके द्वारा जो भी कार्यक्रम हुआ हो उसकी जो है फ़ोटो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर लेनी चाहिए। तो बहनों, फ़ोटो हम दिखाएंगे, उससे पहले मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप जो है कि कमेंट जरूर किया कीजिए। आप लोग तुरंत वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कीजिए, आपके क्षेत्र में मानदेय कितना है या आपको कोई परेशानी है तो आप उस चीज़ को कमेंट में करके हमको ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे एक भाई हैं, इनका कहना है कि हेलो सर, MP आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की वैकेंसी कब आएगी, प्लीज़ बताइए। तो मैंने कल की वीडियो में बहनों आप सभी को, जितने भाई हैं या फिर जितने ज़रूरतमंद लोग हैं जो कह रहे थे कि वैकेंसी कब आएगी सर बताइए, तो कल जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि अगले 1 हफ्ते में हो सकता है कि वैकेंसी को चालू करा दिया जाए ऑनलाइन, तो उत्तर प्रदेश में 56,000 जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका तथा सुपरवाइजरों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकली है। तो इसके बाद मध्य प्रदेश की ही बारी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले वैकेंसी भी निकलेगी और बढ़ा हुआ मानदेय भी ये लोग डालेंगे। हो सकता है चुनाव के बाद ये लोग इस चीज़ को बंद कर दें। तो जैसे ही बहनों मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं की, सहायिकाओं की और साथ ही साथ सुपरवाइजरों की जैसे ही वैकेंसी निकलती है तो सर हम आपको बिल्कुल बताएंगे, सभी बहनों को बताएंगे, जो बहनें तैयारी कर रही हैं उनको भी हम बताएंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए कि नई वीडियो आने वाली आपको पता चल जाए। एक इसी तरीके से एक भाई और हैं जिन्होंने यह कहा है कि मोबाइल फ़ोन भी हम लोगों को लाकर दिया जाए, लाकर हमको मोबाइल फ़ोन भी दिया जाए। तो आप लोगों में से बहुत सी बहनों को ये भी पता होगा कई राज्यों में मोबाइल फ़ोन भी उपलब्ध हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के भी कई ऐसे ज़िले हैं जहां पे किसी भी एक बहन को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महिला बाल विकास या केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा मोबाइल फ़ोन नहीं दिया गया है, ना ही उनका रिचार्ज करवाया जाता है। यहाँ तक कि बहनों कई ऐसी जगह हैं जहाँ मोबाइल रिचार्ज का भी पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के ऐसे कई ज़िले हैं जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है।
बहनों, आप में से कई लोगों को मैंने कल बोला था कि आप लोग वजन और लंबाई बच्चों का जरूर भरा करिए पोषण ट्रैकर में, क्योंकि पोषण ट्रैकर को आपके मानदेय से जोड़ दिया गया है। तो आप लोगों का जो है कि मानदेय जनरेट होगा वो सिर्फ पोषण ट्रैकर से ही होगा। आप लोग जितनी ज़्यादा हाजिरी भरेंगे उतना ही आपका मानदेय जनरेट होगा। जितने ही दिन का आप भरेंगे, अगर एक दिन का मिस करते हैं तो उस दिन की आपका मानदेय कट जाएगा। तो वजन और लंबाई का आप देख सकते हैं कि वेरीफाई करने के बाद बच्चों का जो 3 से 6 वर्ष वाले हैं उसका आप स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। तो आप लोग वजन और लंबाई जरूर भरें, नाश्ता खाना भोजन आप लोग जरूर भरें, केंद्र की आंगनबाड़ी केंद्र की उपस्थिति आप जरूर करें। बहनों, जैसे कि मैंने बोला था कि आपके द्वारा कार्यक्रम कैसा भी हो, कैसा भी दिख रहा हो, आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है। आपके द्वारा कार्यक्रम को किया जा रहा है, लाडली लक्ष्मी उत्सव का जो सप्ताह है वो मनाया जा रहा है, तो वो आपको फोटो ग्रुप में शेयर करनी है। ये भी एक आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ पर लाडली उत्सव मनाया जा रहा था। आप लोग देख सकते हैं लाडली उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा था, जिसकी क्या है कि फोटो आंगनबाड़ी केंद्र में भेजी गई थी। यहाँ तक कि आंगनबाड़ी की जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, परियोजना ग्रुप है, वहाँ भी चीज़ों को शेयर किया गया है। तो कार्यक्रम आपकी तरफ से जो भी है वो लाडली बहनाओं का, उसकी आप लोग जो है कि फ़ोटो शेयर करने में व्हाट्सएप में बिल्कुल भी झिझक मत किया कीजिए। आपके द्वारा जो भी कार्यक्रम हो लाडली उत्सव का, वो आप कार्यक्रम का वो आप फोटो शेयर कर दिया कीजिए। बहनों, आप यहाँ पे देख सकती, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये एक बहन का स्क्रीनशॉट है जिन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र भी खोला है। यहाँ पे देखिए बच्चों की उपस्थिति भी, 30 बच्चे टोटल अभी तक दर्ज हैं जो हमेशा आते हैं, जिनमें से 28 बच्चों की उपस्थिति लगी है, 28 बच्चे आए थे। यहाँ तक कि जो टेक होम जो उनका गर्म ताज़ा भोजन नाश्ता था वो भी 28 बच्चों ने किया। सुबह का नाश्ता जरूर 25 बच्चों ने किया है। तो आपके द्वारा जब भी केंद्र खोल के बच्चों की उपस्थिति, नाश्ता, गर्म भोजन आपका फीडिंग किया जाए, तो आप उस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी आप अपने व्हाट्सएप परियोजना ग्रुप में भेज सकते हैं। लंबाई ऊँचाई वाला जो है कि वो भी आप बहनों भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। इसमें किसी भी प्रकार की शर्म की बात नहीं है। आपके द्वारा जितना ज़्यादा पोषण ट्रैकर की गतिविधियों को चलाया जाएगा उतना ही आपका मानदेय उस हिसाब से जनरेट होगा। बहनों, पिछले मैं कई दिनों से बता रहा हूँ कि आप लोग कैलेंडर के हिसाब से छुट्टियाँ मत मनाया कीजिए। मात्र 13 अवकाश सरकार की तरफ से घोषित किया गया है आंगनबाड़ी बहनों के लिए। यहाँ तक कि आंगनबाड़ी रविवार को छोड़ के मात्र 13 ही दिनों का अवकाश है, जिसमें से देखिए फरवरी, मार्च और अप्रैल तक का जो भी था वो गुजर चुका है। मैं मई से लेके दिसंबर तक का एक बार आपको फिर बता देता हूँ। जैसे कि 5 मई का बुद्ध पूर्णिमा का था, अब उसके बाद जो 29 जून है ईदुल जुहा का रहेगा, 30 जून को जो है रक्षाबंधन की छुट्टी रहेगी, 7 जुलाई को जन्माष्टमी की छुट्टी रहेगी, 28 जुलाई को क्या है मिलाद उद नबी की छुट्टी रहेगी, 24 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा की छुट्टी रहेगी, 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती की छुट्टी रहेगी बहनों, और जो आखिरी रहेगा वो रहेगा 25/12/2023 मतलब 25 दिसंबर की, जो कि क्रिसमस डे होता है। तो मात्र आपकी इन 13 दिनों की ही छुट्टी है, और उसके अलावा मात्र जो छुट्टी है वो संडे की छुट्टी है। तो ये कलेक्ट्रेट के द्वारा हर एक ज़िले के लिए निर्देशित किया गया है। तो आप लोग सिर्फ कैलेंडर के हिसाब से छुट्टियां मत मनाया कीजिए। तो बहनों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो वीडियो को देखती हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती, आप सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा दें। और बहनों, जिन बहनों का लिस्ट मैंने पहले बताया था, आप अपने पंचायत में जाके बैंक का लिस्ट देख लीजिए, जो बहनों का लाडली बहना में हो चुका है लिस्ट में, आप चेक करिए कि उनका जो खाता नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक हुआ है कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहनों, तब तक के लिए धन्यवाद।